हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक्टिवा है तो जनरली आप सेल्फ का ही यूज़ करते हैं एक्टिवा को स्टार्ट करने के लिए। बट कभी इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि सेल्फ नहीं काम किया, सेल्फ डैमेज हो गया या बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुरानी है बैटरी, तो अगर आप किक का यूज़ करेंगे तो बहुत बार ये धोखा दे देती है और वो जाम हो जाती है किक। या तो बिल्कुल भी वो मूव नहीं करेगा, या मूव करेगा भी तो फिर वो रिटर्न आना मुश्किल हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे जो एयर इसमें इंटर करता है, जो बेल्ट को, वेरिएटर को, क्लच को कूल करने के लिए, वो यहाँ पे आकर के पूरा जम जाता है। ये देखिए पूरा डस्ट ही डस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ भी है, पूरा डस्ट बाहर निकला हुआ है। तो ये जो डस्ट है ये पूरे सिस्टम को क्लॉग्ड कर देता है। प्लस जो आपका सेंट्रिफ्यूगल क्लच का जो डस्ट रहा, जो घिसने के बाद निकलता है, बेल्ट का जो डस्ट रहा, वो भी आकर के इसमें फंसता है और पूरा इस तरह का हाल हो जाता है। अब ये जो कंडीशन है, ये 25,000 किलोमीटर में, पहले मैंने जब बेल्ट इसका चेंज किया था तो मैंने इसका इसे क्लीन बहुत अच्छे से किया था। अभी देखिए, 25,000 किलोमीटर के बाद इसका कंडीशन फिर से वही हो गया है। तो यही होता है, यही जब आप यूज़ करेंगे इस कंडीशन में तो आपका किक जाम हो जाता है। तो ये सिस्टम, ये जो है पूरा जो मैकेनिज्म, मुझे कभी से अच्छा नहीं था। इसको बेटर बनाया जा सकता था। हालांकि एक्टिवा ने, या होंडा बोल सकते हैं, होंडा ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और अब न्यू मॉडल्स में ये किक ही देना बंद कर रही है होंडा। और मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि देखिए, मोटरसाइकिल में अगर आपका बैटरी डाउन हो गया, बट थोड़ा बहुत भी उसमें एनर्जी है, फ्यूल पंप का लोड ले सकती है, तो आप धक्का देकर के गियर में, सेकंड गियर, थर्ड गियर में डाल करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, या चक्के को घींच करके आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको केयरफुल रहना होगा। बट एक्टिवा में क्या है, या कोई भी स्कूटर जो है गियरलेस, उसमें है कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप धक्का दे करके उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्हील होता है वो आपका फ्री होता है। सेंट्रिफ्यूगल क्लच जब तक इंगेज नहीं होगा आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो किक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, आप या तो सेल्फ उसका सही कीजिए, या तो आप बैटरी नया डालिए, या अगर वायरिंग फॉल्ट है तो उसको सॉल्व कीजिए। धक्का दे करके आप स्कूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर किक ही नहीं रहेगा तो एकमात्र सारा किक ही होता था। अगर किक भी नहीं रहेगा तो अगर रात में कोई फंसता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इंसान के लिए। अब मोटरसाइकिल जनरली मेल्स चलाते हैं, तो चलिए अगर कहीं रात में फंसे हैं तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, कुछ ना कुछ वो लोग मैनेज कर देंगे। बट अगर एक्टिवा जनरली मेल फीमेल दोनों यूज़ करता है इसे, तो अगर रात में कोई फंस गया इस तरह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज़ का कंपनी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूटर। इसके बिना सर्वाइव करना स्कूटर के साथ इमरजेंसी में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और किक को और बेटर किया जा सकता था, स्मूथ और कुछ ऐसा कि जाम ना हो कभी इमरजेंसी में। मेरे साथ भी हुआ है, जाम हो गई है थी, तो फिर भी कैसे कैसे कर करके मैंने एक बार स्टार्ट किया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब जो इंसान कभी किक यूज़ नहीं किया, हमेशा सेल्फ ही यूज़ करते आ रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ कंपनी को देखनी चाहिए। आपका क्या करना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक किया अपने दोस्तों में, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब जो किया दोस्तों। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।